नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। हाईटेक मोबाइल झपट मार गिरोह के 3 बदमाश हुए गिरफ्तार। मोबाइल छीन कर रोलेक्स पर बेचते थे बदमाश। खरीददार बनकर नगर थाना पुलिस ने पकड़ा बदमाशों को। मोबाइल सहित झपट मारी में प्रयुक्त 3 मोटरसाइकिल हुआ बरामद। कल सायंकाल दरपा थाना क्षेत्र के एक गांव से एक 7 साल के बच्चे किशन कुमार की फिरौती के लिए अपहरण की घटना घटित हुई थी, और उसके बाद उसमें SDPO रक्सौल और इंस्पेक्टर छोड़ा दानो, टेक्निकल सेल के जितने भी पुलिसकर्मी हैं और विभिन्न थानाध्यक्षों को टीम के माध्यम से इस कांड के उद्भेदन के लिए लगाया गया था। और आज 3 बजे के आसपास ये बच्चा बरामद कर लिया गया सकुशल, और जो किडनैपिंग में शामिल अपराधकर्मी थे, उन 3 अपराधकर्मी, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसमें एक महिला है और 2 पुरुष हैं। जो अपराधकर्मी अमित कुमार और दिलीप कुमार हैं, ये दोनों पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, अभी इंटरमीडिएट पास किए हैं, और इन्होंने अपने स्वीकारोक्ति में बताया कि एडमिशन कराने के लिए पैसों की आवश्यकता थी, उसके लिए बच्चे का किडनैप किया था। किडनैपिंग के रूप में, किडनैपिंग फॉर रैंसम के लिए इन्होंने 10 लाख रुपए की डिमांड की थी। बालक जो किडनैप हुआ था उसके पिताजी से, पिताजी नियोजित शिक्षक हैं। उसके बाद ही उन्होंने थाने को सूचना दी थी, और उसके बाद टीम वर्क के तौर पर इस कांड को बहुत ही अच्छे तरीके से उद्भेदित कर लिया गया। मोबाइल छीनने वाले गिरोह का भी डिटेक्शन हुआ है टाउन थाना क्षेत्र में। इसका मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये मोबाइल छीनते थे या चुराते थे, और उसके बाद OLX पर उसको बेचने का प्रयास करते थे। इसी प्रयास के क्रम में जब इन्होंने कुछ दिनों पहले एक टाउन थाना क्षेत्र से मोबाइल छीना गया था, उसको बेचने का प्रयास किया था 2-3 दिन पहले OLX पे, और उसकी शिकायत हम लोगों को प्राप्त हुई थी। उसी के बाद हम लोगों ने ये टीम बनाकर, टाउन थाना अध्यक्ष ने और अन्य पदाधिकारी थे, उन लोगों ने इस गिरोह को पकड़ा है। इस गिरोह के 3 अपराधकर्मी पकड़े गए हैं जो मोबाइल छीनते थे और बाद में उसको OLX पे बेच देते थे। पकड़े गए लोग क्या आपके रिश्ते में भाई भी हैं क्या? हाँ, उसमें 2 भाई हैं, आपस में भाई हैं, और एक उनका दोस्त है जिसके मोटरसाइकिल का वो लोग प्रयोग करते थे बुलेट। करिए तो क्लियर।